मॉमजिला इंडिया, आज मैं आप सभी को बहुत ही सुंदर जगह पे लेकर आई हूँ, जिसे कहते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, विच इज़ नन अदर देन कश्मीर. यस, आज मैं कश्मीर में हूँ. मैं 2 दिन पहले कश्मीर आ गई थी और अब आज मेरा स्टे है एक बहुत ही फेमस यहाँ का वेलकम हेरिटेज ग्रुप का गुरखा हाउस बोट में, और ये है हाउस बोट नंबर 2. और हाउस बोट नंबर 2 को बनने में 3 साल लगे हैं. तो मैं, आइए अब आपको इसके इंटीरियर्स दिखाती हूँ कि रूम्स कैसे पहले हैं मैं आपको हमारे. दिखाऊंगी कि ये बहुत ही नैरो सा एक पैसेज है, जैसे एक ट्रेन का एक पैसेज होता है लॉबी, उतना पैसेज है. और ये मेरे को कर्टन्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे, यहाँ के ट्रेडिशनल का कर्टन्स हैंड हैं. वर्क आपको काफ़ी कपड़ों में दिखेगा, ये कर्टन में है अभी जनरली, तो ये बैग्स में भी आपको यहाँ पे मिलेगा. और ये जो वुड है ये देवदार है, तो जनरली ये देवदार वुड ही यूज़ होती है यहाँ पर, ताकि क्योंकि पानी में रहता है ये सब चीज़ें, तो कुछ भी ये फूले ना लकड़ी, तो दियोदार वुड यूज़ होती है और दियोदार पे ही कार्विंग्स ही की जाती है. डिटेल वुड आर्ट है. अगर मैं आपको क्लोज से दिखाऊं तो इसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर काम करना इतना डिटेल अपने आप में बहुत ही रिच लुक देता है. ये सुपर डीलक्स रूम है और ये पूरे रूम में यही वुड पैनल्स रन कर रहे हैं. ये इसकी सीलिंग, बहुत ही ट्रेडिशनली इन्होंने ब्यूटीफुली इसको सजाया हुआ है, ट्रेडिशन का ध्यान रखते हुए, कल्चर का ध्यान रखते हुए पूरी बोट को वैसे ही डिजाइन किया गया है. अ होम अवे फ्रॉम होम. एक खास बात है इस बोट की, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप यहाँ पर आते हैं आपको अपने शूज़ बाहर उतारने होते क्लीन हैं रखने रखने के लिए, क्योंकि ये कारपेट फुली रन कर रहा है पूरे बोट में, तो उसको क्लीन रखने के लिए इनकी तरफ से ये रूल्स हैं कि आप अपने बाहर के शू बाहर ही उतारेंगे बोट से बाहर, और पूरे टाइम आप कितने भी दिन अंदर हैं आप बिना शू के यहाँ रहेंगे, और आपको एक स्लीपर्स दिए जाएंगे जो अंदर रहते हैं, तो आप उन स्लीपर्स से बाथरूम यूज़ कर सकते हैं. और टेम्परेचर बहुत माइनस में जाता है यहाँ पर, इसलिए ये हीट किंग है जो इस कमरे को गर्म रखता है पूरे टाइम. केरोसिन से चलता है ये हीटर और इसका वेंट बाहर होता है. मैं बाथरूम का टूर कराती हूँ अब आपको. ये बाथरूम है, आपको रूम नंबर 2 में लेके जाने वाली हूँ. ये ये स्वीट है, टोटल पैसेज है, वो डाइनिंग एरिया है, उसके बाद आपका सिटिंग एरिया आता है जो कॉमन है सबके लिए. स्वीट रूम की एक एंट्री है. मैं आपको दिखा देती हूँ, सॉरी, बाथरूम 2. ये इसका बाथरूम है, आप इस बोट के बारे में क्या बताना चाहते हैं? ये हमारा जो बोट है ये अभी नया कम से कम 3-4 साल हो गए इसको। तो जो इसका बेस है यहाँ पे ये न्यू नहीं, ये पुराना ही है। तो जो ये है रिनोवेशन जो भी किया है कार्विंग्स में कम से कम 2 साल लगे कार्विंग में, ओके.
खाली ये जो काम है ना हाथ का, इसमें 2 साल लगे, कम से कम बोट में 3 साल लगे ये पूरे बनाने में। तो जो हमने ये 6 बोट है हमारे गुरखा के, ये ITC के साथ टाइप है। तो साल के बाद यहाँ पे काम शुरू हो गया, उसके बाद COVID-19, तो अब 2 साल के बाद हमने। कब से इनका सीजन कब से ऑन रहता है? हमारा जो गुरखा का है पूरा साल ही सीजन रहता है। अच्छा, पूरा साल। तो शुक्र है अल्लाह का, खाली ये 2 साल थोड़ा टफ हो गए हमारे लिए, फिर भी शुक्र है। तो अब स्टार्ट हो गया, देखते हैं आगे क्या होगा इंशाल्लाह। ओके, तो अभी जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है, अभी भी स्टार्ट हो गया। बेटर रहता है ये अप्रैल मार्च से स्टार्ट रहता है ज्यादा, तो ये सर्दियों में बहुत कम आते हैं क्योंकि इस टाइम फॉरनर ज्यादा आते थे। अब वो फ्लाइट फॉरनर का वो भी अभी नहीं है, तो फॉरनर अभी नहीं आ रहे, तो अभी खाली इंडियन आ रहे हैं। ओके, ये निगीन लेक है। अच्छा, तो जो अभी थोड़ा मौसम की वजह से ना, वो अभी व्यू नहीं देख रहा आके, क्योंकि धुंध है अभी। अभी बर्फ भी पड़ी है जो दिख रहा है ना, उसको जबरवन माउंटेन कहते हैं। 2 दिन पहले ये पूरा, 2 दिन पहले ये पूरा फ्रीज था। अभी भी देखो वहाँ पे आप, अभी भी कोई कई जगह पे फ्रीज है। तो 2 दिन के ये थोड़ा मौसम ठीक हो गया, इसीलिए पूरा खुल गया। तो यहाँ से अप्रोच कैसे, अभी तो बोट से हम आए, जैसे शिकारा से आए, तो और क्या इसका अदर वे अप्रोच करने का यहाँ पर? कभी भी ज्यादा हो जाता तो पीछे इसका रास्ता है, बैक साइड पीछे गार्डन भी है। तो उसके ऊपर वो रोड है, वहाँ पे भी गाड़ी आ सकती है। वहाँ पे थोड़ा अंदर की तरफ घूमना पड़ता है ड्राइवर को, मगर रोड है यहाँ पे भी है। तो जब ये नहीं होता तो बेटर होता है यहाँ से शिकारा से, कस्टमर को अच्छा लगता है यहाँ से। तो है, तो यहाँ पे हमको शूज उतार के अंदर जाना पड़ता है। ये जूदार है, जितने भी है ये वॉलनट है। वो विदाउट पॉलिश है, इस पे पॉलिश हो जाती है। क्योंकि जितना ये देवदार पानी में रहेगा उतना अच्छा है। और इसमें बेटर है कि आप इसमें पॉलिश करो, क्योंकि इसमें वो जंग वगैरह नहीं लगता है, फिर उसमें नहीं, वो नेचुरल कलर है। यही था वेलकम हेरिटेज ग्रुप का गुरखा बोट्स का एक छोटा सा टूर। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। दोबारा एक और वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमजिला इंडिया।